नमस्कार, फैक्ट टाइम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। दांदो सुरुत्री आसरा सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम गुरविंदर सिंह इंसर है। सर कहाँ से? सर मैं संगरिया राजस्थान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सर डेरा सच्चा सूरज कितने समय से जुड़े हैं आप? सर देखो मेरी एज 31 की है, मैं तो 31 से ही जुड़ा हूँ, पर मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी फैमिली है, दादाजी हैं और फादर हैं, वो कम से कम 50 साल हो गए सर जुड़े हुए डेरे के साथ। सर डेरे से जसोदा की सच्चाई क्या है? जिस तरह जो मीडिया दिखाती है वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत बहुत मानवता के भलाई के कार्य होते हैं, जैसे आयश घर बना के देना, मतलब 50-60 कार्य ऐसे हैं जो चल रहे हैं, जो मानवता की भलाई के कार्य हैं वो जोरों शोरों से चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया दिखाती है। मीडिया तो ऐसा है अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी TRP के लिए वो ऐसा कुछ करती रहती है मीडिया। इस तरह के भलाई कार्य करता है डेरा सच्चा सौदा? डेरा सौदा सौदा जैसे जी गरीबों को मकान बना के देना, और जो भी अगर किसी के घर पर बेटियां ज़्यादा है तो वो बेटी डेरा एक्सेप्ट भी करता है, अपने पास रखता है, और शुभ देवियों का विवाह करवाते हैं, और यहाँ पर और भी बहुत कार्य होते हैं, 50-60 कार्य हैं। मेरे को भी इतनी अकेले आते हैं परिवार समेत आते हैं? हमारा तो 50-60 साल से सारा। कैसा महसूस करते हैं जब भी आप यहाँ पर? अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील होता है जब भी यहाँ आते हैं, पिताजी का वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो माइंड एक बार रिफ्रेश हो जाता है, माइंड को अच्छा लगता है। घर जाके भी 10-15 दिन 20 दिन पिताजी के जो वचन है वही मन में चलते रहते हैं, कोई बुरा विचार नहीं आता, अच्छा लगता है। गुरुजी पर कुछ केसेस लगे हुए हैं और एलिगेशंस लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो देखो जी, वो तो जो बुराई के जो लोग हैं उन्होंने दबाने के लिए जो भी अपना हथकंडा अपनाया है, झूठे आरोप लगा के कि डेरे को बदनाम किया जाए या दबाया जाए, उन्होंने अपनी कोशिश की कर रही है अपनी की है, पर डेरा ऐसे दबने वाला नहीं है। देखो आज भी आप देख सकते हो उससे भी ज़्यादा साथ संगत आ रही है, पिताजी चाहे कहीं भी हो पर साथ संगत वैसे जोरों शोरों पर अपना मानवता के कार्य कर रही है और उतनी जोरों शोरों से आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे बस है जो सच है उसको वो सुने और उस पर अमल करे, और जितना हो सके और पिताजी को मतलब रिहाई दे। बाहर आए पिताजी, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, बुराइयां बढ़ रही हैं, गुरुजी की आज ज़रूरत है समाज को? हाँ गुरुजी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो जब पिताजी थे यहाँ तो वो बहुत बुराइयां, किसी की शराब छुड़ानी, किसी का नशा छुड़ाना, किसी का ड्रग्स छुड़ाना, ये ऐसे बहुत कार्य प्रेमी लोग भी कर रहे थे और पिताजी तो कभी कर रहे थे, तो कुछ होने पर बहुत कुछ ये नशा छूट रहा था, होने पर ज़्यादा असर होता है। हमारी जनता सुन रही है, क्या संदेश देंगे आप डेरा सच्चा सौदा के बारे में जनता को? जनता को यही देना चाहता हूँ कि जो ये डेरा सच्चा सौदा है ये सबको मिलाकर चलता है और मिलाकर ही रखता है, सभी को अच्छा संदेश देता है, और इससे जुड़ के जो इंसान है वो अपना अच्छा रास्ता अपना सकता है, अच्छाई पर चल सकता है। तो जितना हो सके डेरे के साथ जुड़िए और मानवता के जितने काम हैं वो करें और इंसान इंसान के काम आए। बहुत धन्यवाद।